Let us know about the major events of today which have been recorded in the pages of history. 17 जुलाई की ऐतिहासिक घटनाएं 1893 इंग्लैंड के आर्थर श्रेव सबरी टेस्ट क्रिकेट में 1000 रन बनाने वाले पहले क्रिकेटर बने थे। 1902 विलिस करियर बफेलो ने न्यूयॉर्क में पहला एयर कंडीशनर बनाया था। 1903 पहला टूर डी फ्रांस मॉरिस गारिन ने जीता था। 1917 किंग जॉर्ज वी ने एक उद्घोषणा जारी की जिसमें कहा गया था कि ब्रिटिश रॉयल फैमिली के पुरुष रेखा वंशज उपनाम विंसर को सहन करेंगे। 1932 अल्टोना ब्लडी रविवार नाजी पार्टी अर्धसैनिक बलों एसएस और एसए और जर्मन कम्युनिस्ट पार्टी के बीच एक दंगा हुआ था। 1936 स्पेनिश गृह युद्ध स्पेन के निर्वाचित वामपंथी लोकप्रिय फ्रंट सरकार के खिलाफ एक सशस्त्र सेना विद्रोह गृह युद्ध शुरू किया था। 1953 संयुक्त राज्य अमेरिका मिडशिपमैन की सबसे बड़ी संख्या में एक घटना में फ्लोरिडा में एक विमान दुर्घटना के परिणाम स्वरूप 44 की मौत हो गई थी। 1955 डिज्नीलैंड कैलिफोर्निया के अनाहिम में वॉल्ट डिज्नी द्वारा समर्पित और खोला गया था। 1959 हिंदी चलचित्र अभिनेत्री जरीना वहाब का जन्म हुआ था। 1976 पूर्वी तिमोर को कब्जा कर लिया गया और इंडोनेशिया का 27वां प्रांत बन गया था। 1979 निकारागुआन तानाशाह जनरल अनास्तासियो सोमोजा डेबेल इस्तीफा देकर मियामी फ्लोरिडा संयुक्त राज्य अमेरिका में चले गए थे। 1980 जेन को सुजुकी जापान के प्रधानमंत्री बने थे। 1985 फ्रैंकोइस मिट्रेंड फ्रांस और हेमुट कोहल जर्मनी के पूर्व प्रमुख राज्यों द्वारा यूरेका नेटवर्क की स्थापना हुई थी। 1996 TWA फ्लाइट 800 लॉन्ग आइलैंड न्यूयॉर्क के तट पर पेरिस से जुड़े TDA बोइंग 747 विस्फोट बोर्ड पर सभी 230 की मौत हो गई थी। 1998 एक राजनयिक सम्मेलन अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय के रोम संविधान को गोद और अपराध के लिए एक स्थायी अंतर्राष्ट्रीय अदालत की स्थापना हुई थी। 2001 जुलाई 2000 के दुर्घटना के बाद लगभग एक साल बाद कॉनकॉर्ड सेवा में लाया गया था। 2007 TAM एयरलाइंस फ्लाइट 3054 एयरबस A320 बहुत तेज लैंडिंग के बाद गोदाम में दुर्घटनाग्रस्त हो गया और साओ पाउलो कांगोन्हा एयरपोर्ट रनवे के अंत में गायब हो जिसमें 199 लोग मारे गए थे। 2014 मलेशिया एयरलाइंस फ्लाइट 17 बोइंग 777 गोली मारने के बाद यूक्रेन और रूस की सीमा के पास दुर्घटनाग्रस्त हो गया जिसमें 298 लोग मारे गए थे। 2015 इराक के दियाला प्रांत में आत्मघाती हमले से कम 120 लोग मारे गए और 130 घायल हो गए थे। 17 जुलाई को जन्मे प्रसिद्ध व्यक्ति 1943 परमवीर चक्र सम्मानित भारतीय सैनिक फ्लाइंग ऑफिसर निर्मलजीत सिंह सेखों का जन्म हुआ था। 1923 भारत के 5वें राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद की पत्नी बेगम आबिदा अहमद का जन्म हुआ था। 17 जुलाई को हुए प्रसिद्ध व्यक्तियों के निधन। 1992 भारत की प्रसिद्ध अभिनेत्री गायिका और फिल्म निर्माता कानन देवी का निधन हुआ था। 2005 भारतीय रिजर्व बैंक के 14वें गवर्नर IG पटेल का निधन हुआ था। 2013 प्रसिद्ध इतिहासकार वरुण डे का निधन हुआ था। 2018 हिंदी सिने जगत की जानी मानी अभिनेत्री रीता भादुड़ी का निधन हुआ था। दोस्तों आपको यह जानकारी कैसी लगती है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। यदि आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर ले और साथ ही बेल आइकन को दबा दे ताकि मेरे सभी वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। लाइक और शेयर करना ना भूले। धन्यवाद।